चलिए, आज हम लोग को रीजनिंग में एक चैप्टर मिसिंग नंबर करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन करके आएगा और थोड़ा जूम करके इसको बड़ा कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है बाबू, पहला नंबर देखिएगा, 4, 8, 20, उसके बाद है 9, 3, 15, 6, 6, 8। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, ये मैट्रिक्स मॉडल का क्वेश्चन है और मैट्रिक्स मॉडल के क्वेश्चन में रो और कॉलम में वर्क होता है। अगर डायगोनल डायगोनल यदि विकर्णवत यदि काम कीजिएगा, विकर्णवत हमको नहीं देखना है, सिर्फ हम लोग को इसमें देखना है क्या, रो और कॉलम। तो क्वेश्चन है आपका कि 4, 8, 20 और 9, 3, 15, 6, 6, 8, और ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो देखिएगा, अक्सर इसका जो वर्क होता है, चाहे तो इस तरह से वर्क होगा और नहीं तो इस तरह से, हॉरिजेंटल नहीं तो वर्टिकल, दो ही तरह से आपको सोचना रहता है ज़्यादातर। और जैसे जैसे हम लोग रो कॉलम के क्वेश्चन कुछ करेंगे तो हम लोग को कुछ समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ऐसे कुछ अगर बन रहा है, 6, 4, 10, 9 है, 8, 6, 14 नहीं बन रहा है। इसको गौर से देखिए, इसको अगर गौर से देखिए तो ये 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 दूनी 16, 16 4 20, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 और 9 और 6 15, तो इसका मतलब 6 दूनी 12, 12 6 18, इसके जगह पर कितना होना चाहिए बाबू, 18। तो ऑप्शन नंबर बी आप गौर से देखिए, आपका आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर आइए। आप अभी देखते जाइए, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये भी रो कॉलम का क्वेश्चन है, 18 है, 16 है, 7 है, 35 है, 25 है और यहाँ भाट है, 7 है, 23 है और ये 58 है, फिर 24 है, 32 है और उसके बाद 65 है। अब हम लोग को देखना है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। तो गौर से अगर देखिए, इस तरह का जब भी चार गो वाला रहे तो हमेशा चार गो वाला में देखिएगा, अगर इस साइड में चार गो भाग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो समझिए 3 गो के वर्ग करके चौथा लाया जा रहा है। अगर वर्टिकल में है तो यानी 3 गो के जोड़ के ही चौथा कोई काम करेगा। तो गौर से देखिए, 35 और 18 37 35 और 7 जोड़िए तो आपका 42, 7 5 12 42, और अगर 42 में से 18 को घटा दिया जाए तो आपको 24 आ जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ के ऊपर वाला घटाना है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, और 48 में से 16 को घटाएंगे तो होगा 32। उसी तरह से ये दोनों डाटा के जोड़ के और ये घटाया गया होगा, यानी कहने का मतलब 7 घटाने पर जब 65 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ के 7 घटाने पर 65 आ रहा है। अगर 7 नहीं घटाया जाता तो 65 प्लस 7 यानी कि 72 होता, तो 72 के लिए 58 तो ऑलरेडी पहले से ये दोनों को जोड़ना है और जोड़ के होना चाहिए 72, तो 72 में 58 तो है, तो कितना घट रहा है, तो 58 इसमें से घटा दीजिए यानी 8 4 12 यानी 14। ऑप्शन देखिए दूसरा क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर डी यानी आंसर डी नंबर है, 14 आपका आंसर होगा बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तब तक हम लिख रहे हैं 2 4 6, 6 2 4, 4
भाग दो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करने के लिए ऑप्शन पर भी नजर रखिए, 2, 4, 6, 8 ऑप्शन है। तो एक नजर में लगा कि कहीं ये दोनों को जोड़ के 6 किया गया है, तो ये दोनों को जोड़ के तो 8 होता है, यानी लॉजिक नहीं है। दूसरा हम लोग सोचे कि 4 और 2 जोड़ के ये वाला तो कहीं 6 ने ना लिख रहा था, नहीं 6, 2, 8 यहाँ होना चाहिए था, यानी दोनों तरह से हम लोग सोचे तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसका मतलब फिर इस तरह से भी सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से जोड़ के इधर 6, 4, 10 और 2, 12 आ रहा है, ये 6, 4, 10 और 2, 12 आ रहा है, तो ये भी 6 यहाँ होगा तब 6, 4, 10 और 2, 12। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आप बना सकते थे, 6, 4, 10 और 2, 12, 6, 4, 10 और 2, 12, 6, 4, 10 और 2, 12, जिधर से आपके दिमाग में आ जाए उधर से इस तरह का क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, यानी इसका आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन बाबू। तीसरा क्वेश्चन है, कितना नंबर है तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन में आपका सी नंबर में है 6, यानी भाट के जगह पर क्या हो गया बाबू, 6 हो गया। चलिए अगले 4 नंबर क्वेश्चन को लाइए बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपली ढंग से आराम से देखिए, एक एक क्वेश्चन बनाते बनाते आपका आदत हो जाएगा, सोचने का तरीका आपका सही रूप से भागने लगेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है 15, 225, 30, 15, 225, 30, और ये है 7, 70, 20, और ये है 3, यहाँ क्या होगा भाट है, यहाँ 8 है, यही आपका क्वेश्चन है बाबू। और इसमें आपका ऑप्शन सामने है 12 है, 16 है, 24 है। अब इसमें अप्रोच लगाना है कि किस तरह से ये फॉलो हो रहा है। अगर एक नज़र हम लोग देखें तो ये दोनों को गुना करके 450 होता है, क्योंकि डाटा जब ज़्यादा यहाँ हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई या स्क्वायरिंग होगा, तो यहाँ तो गुना में जा रहा है, तब 15 या 45 450 है, उसका ये आधा है, यानी कि ये दोनों को गुना करके 15 और 30 को गुना करके 2 से भागा देने पर प्राप्त हुआ है 225। अगर यही पैटर्न आगे भी चल रहा होगा तो देखते हैं, हाँ 7 गुना 20 किए हैं बाबू तो 140 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 140 में 2 से 1 में भागा देवल गया है तो 70 आ गया। ओ उसी पैटर्न पर सोचिए कि 8 और 3 को गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, और 24 में फिर 2 से भागा दीजिएगा, यानी यहाँ पर 12 होना चाहिए, और 12 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है बाबू। क्लियर? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन का एक जब आ जाएगा और आपका प्रैक्टिस पहले से यदि नहीं है, चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन है 4, 7, 9, 8, 6, 8, 3, 7, 9, और उसके बाद है 35, 49 और भाट। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर 4 गो ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तुक्का तो नहीं लगेगा, अगर 4 गो का मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि नीचे वाला पार्ट जो है ये डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो, लेकिन उसको वर्क गुना प्लस माइनस पर ही है। अभी देखिए 38, 24, 24 अगर गुना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 में 4 जोड़ सकते हैं, तो 24 और 4, 26, 24 और 4, 28 नहीं हुआ, 6, 42 ये भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा करें इसको ऊपर से गुना करें तो 8, 4, 32 और 32 में 3 इसको जोड़ दिया जाए तो 32, 3, 35 मिल गया बाबू,
तो उसी तरह से ये भी होना चाहिए, फॉलो सब पर एक रगन करना चाहिए। सच्छक 42, 42 और 7 49, बिल्कुल सही, मिसिंग नंबर सही पकड़ा जाएगा। अभी देखिए उसी पैटर्न पर 9 72 मल्टीप्लाई हुआ, 72 में 7 जोड़िए, 72 में 9 9, तब 72 और 9 इसके आने जगह पर हो जाएगा 72 और 9 81, 81 देखिए ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। आप उतारते जाइए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हम टाइम देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पे बाबू, स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन लाइए। देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन, 7 है, 6 है, 8 है, 5 है, 4 है, 9 है, 3 है बाबू, 2 है, 1 है, 83 है, 56 है बाबू, 56 जिनको स्क्रीन पर नहीं लौक रहा है यहाँ देख लीजिएगा, और उसके बाद 4 वो ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इस पैटर्न बार बार ये पैटर्न आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 गो वाला में हमेशा इसी तरह से वर्क होता है। अब थोड़ा देखिए 7 5 35 वो काफी दूर भाग रहा है, यानी गुना करने पर भी नहीं हो रहा है, 7 5 35 अब 35 30 फिर 105 हो जाएगा। अच्छा एक पैटर्न और देखते हैं, स्क्वायर क्यू तो नहीं है, तो अगर 7 7 49 अगर इसका स्क्वायर किया जाए, इसका स्क्वायर किया जाए तो 49 और 25 को गौर से देखिए तो आपको 74 नजर आवेगा। अगर 74 में इसका भी स्क्वायर जोड़ देवल जाए 9 83 मिल गया, पैटर्न मिल चुका है, यानी ज़्यादा यदि देख रहे हैं मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है तो स्क्वायर भागेगा, स्क्वायर में भी नहीं आ रहा है तो क्यू भागेगा। इसी तरह से पैटर्न चेक किया जाता है, तो मल्टीप्लाई में देखे नहीं सेट हो रहा था किधरों से, नहीं पंक्ति 15 15 7 75 नहीं हो रहा था, स्क्वायर करके देखे। अब इसको भी देख लेना है, एगो को देखने से नहीं होगा, तो 6 6 36 4 4 16 2 2 4 तो 6 4 10 16 3 1 4 1 5 56 बिल्कुल मिल गया, 83 भी मिल गया और ये भी मिल गया, यानी इसका मतलब है इसका भी आंसर स्क्वायर करके होने जा रहा है। 8 8 64 9 9 81 1 के स्क्वायर 1 4 2 6 अब 6 हो गया, 8 6 14 अब देखना है 146 ऑप्शन में है कि नहीं है बाबू, यानी डी नंबर ऑप्शन है, पैटर्न आपका वही पकड़ रहा है, क्लियर। चलिए बाबू स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 7 नंबर में क्या है देखिए, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, 7 है, उसके बाद 1 है, 8 है, 3 है, 21 है, 98 है, 8 है, और आपके सामने 4 गो ऑप्शन है, 73 16 94 और 76। अब देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन 4 गो मैट्रिक्स वाला समझ में आ गया होगा, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखिए चाहे तो ये गुना में होगा तब भी ज़्यादा होगा, ना तो स्क्वायर में होगा ना तो क्यू में होगा, सिंपल सी बात है, चाहे तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो स्क्वायर होगा, नहीं तो क्यू होगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 2 8 8 × 1 8 नहीं, मल्टीप्लाई फेल हो गया, तो स्क्वायर करके देखते हैं, 4 4 16 16 4 20 1 21 मिल रहा है बाबू, लेकिन एक से ही नहीं काम चलाना है, दोनों चेक करना पड़ेगा, 5 5 25 3 3 9 8 8 64 इसका मतलब 25 9 और 64 को जोड़ के देखेंगे कि 98 आता है कि नहीं, तो 9 4 13 5 18 के 8 8 में 1 6 2 8 1 9 98 मिल गया बाबू। इसका मतलब है कि ये भी उसी पैटर्न पर इसका आंसर हम देंगे, तो 6 6 36 7 7 49 3 3 9 तो 9 9 18 18 6 24 24 4 3 7 7 2 9 94 के नंबर ऑप्शन में है, जो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 94।
तो ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने। सी नंबर देखिए, हाँ 94 है, यानी आपका आंसर इसी पैटर्न पर है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये भी मैट्रिक्स ही है, 36 है, रो कॉलम का क्वेश्चन है बाबू, बहुत ज़्यादा ही पैटर्न आजकल आ रहा है। 16, 9, 36, 4, 1, 8 आपका ऑप्शन है 49, 64, 25, 16 कौन सा आंसर होगा। अच्छा आप इसको बढ़िया से देखा जाए तो आपका इतना तो मेंटलिटी है कि सब किसी न किसी का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये 2, 4, 6 हुआ है, 1, 3, 5 हुआ है, तो इसको ये तो हमको 6 के स्क्वायर नज़र आ रहा है, आई 8 के स्क्वायर, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भाट के जगह पर 4 का स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है बाबू। चलिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, 108, 17, 9 उसके बाद है 208, 31, 8 उसके बाद है 245 है बाबू, 245 भाट और 7। अब देखिए ये 3 गो वाला है, तो चाहे तो ऐसे काम हुआ होगा ना तो ऐसे हुआ होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो 100 बढ़ा ना, ऐसे देखा जाए तो घाटा फिर घाटा, एक का मतलब एक बढ़ा तो ना, ये भी पैटर्न काम बढ़ना चाहिए तो नीचे ये दोनों एक तरह से होना चाहिए था, तो इसका मतलब इस पैटर्न पर काम करके देखते हैं कि ऐसे तो नहीं है। अगर इस पैटर्न पर देखा जाए, ओ इससे भागा तो लग रहा है, देखो 108 में हमको नज़र आ रहा है कि 108 में 9 से भागा दे रहे हैं, तो 9 से 1, 9 दुनिया 18, 12 आ रहा है। अच्छा इसको तनी भागा दे के देखो कि 208 में 8 से भागा देंगे तो का होगा, तो 8 दुनी 16, 8 6 48। अच्छा इसमें भागा दे के देखो तो 245 में 7 से भागा दो, 7 या 21 और 7 5, तो अब एक चीज़ हमको पता चला कि 12 के बदले 17 लिखा, यानी 5 जोड़ के लिखा है, तो 26 के बदले भी 5 जोड़ के लिखेगा, तो यहाँ भी तो हम 5 जोड़ ही के ना आंसर देंगे, यानी यहाँ आंसर होना चाहिए हमारा 40। देखते हैं ऑप्शन में ढूंढते हैं, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है बाबू। चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, फिर मैट्रिक्स है, 5, 1, 25, 6, 2, 18, 10, 4, 25, 3, 3, 8। देखिए इस बार भी हमें लगा कि 4 मैट्रिक्स है तो ऐसे वर्क होना चाहिए, यानी 6 नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि घटाव हो, तो 6, 5, 11 ये दोनों के जोड़ के ये घटाएं नहीं आया। अच्छा इधर करते हैं, ये दोनों को जोड़ दिया जाए 16, 16 में से 5 नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, 3 और 2, 4, 2, 6 में से 1 गया 5, 3 नहीं आ पा रहा है, तो और क्या हो सकता है। अच्छा ये दोनों को, अच्छा इसको स्क्वायर किया जाए तो 25 और 25 गुना 1 25, लेकिन ये तो 6, 6, 36 और 36 गुना 6, कहीं ये भागा तो ना, गुना नहीं हो रहा है तो भागा हो रहा है। देखिए यानी 5 के स्क्वायर में 1 से भागा हुआ 25 आया, 6 के स्क्वायर में 2 से भागा हुआ तो 18 हुआ, तो कहीं ना कहीं 10 के स्क्वायर में
भागा हो रहा होगा 100 में 4 से तो 25, तो उसी पैटर्न पर 3 के स्क्वायर यानी 9, 9 में 3 से भागा होगा तो आंसर होगा 3। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 5 है, 7 है, 9 है, 9 है, 6 है, 4 है, 36 है बाबू, 36 है और उसके बाद भाट है। 7, 5, 7, 2, 9 नहीं, 9 और 5, 14 के आधा 7, 9, 5, 14 के आधा 7, तो 9 और 4, 13 के आधा 6 नहीं होता है, माने पैटर्न खत्म। अच्छा ऐसा देखो, एक पैटर्न लॉक रहा है, इसको गौर से देखो, अगर एक माइनस कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा, तो 9 चौका 36, अगर एक कम कर दो तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 छक 36, उसी के आधार पर एक कम कर दो तो 8 हो जाएगा, तो 8 चौका 32 आंसर आपका। देखिए ऑप्शन में है 32, हाँ बी नंबर ऑप्शन है बाबू, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, 5, 17, 9, 3, 21, 7, 7, 16, 8, 6, 10, 8। चलिए देखिए, 4 वाला पैटर्न है, 4 गो वाला, तो 4 गो वाला में नीचे ज़्यादा रहता था तो इसको इस तरह से वर्क कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो 7, 3, 10 फिर 5, 3, 8 ना नज़र आ रहा, यानी ऐसे वर्क नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, 21 और 3, 21 और 3, 24 और 7, 31, तो 18, 16 और 8, 24 और 7, 31। ओ ऐसे देखते हैं कि 21 और 7 हो गया, 28, 28, 29, 30, 31 इन्हें हो रहा है, अब इसको भी जोड़े अभी तो 16, 8, 24 और 7, 31 हो रहा है, एक मतलब सब जोड़ के 31 तो ना बनाया है, तो 9 और 7, 26, 26 और 5, हाँ 31, यही पैटर्न है बाबू, यानी क्या किया है कि सबको जोड़ दिया है, सबको आपस में देखिए जोड़ दिया है, यानी इसको जोड़ा तो 31 मिला, इसको जोड़ा तो 31 मिला, इसको जोड़ा तो 31 मिला, सब 31 आ रहा है, तो इसको भी 31 बनाना पड़ेगा, 31 होने के लिए क्या यहाँ रखना पड़ेगा, तो 16 आ रहा है पहले से, 31 में से 16 घटावेंगे तो 15 रखना होगा। अब हमको ऑप्शन पर नज़र ले जाना चाहिए कि 15 ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है बाबू। चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है जो देखिए गौर से, देख रहे हैं यही आपका क्वेश्चन है, 8, 7, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 7, 5, 6, 9, एसएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन थोड़ा देखते के साथ अगर फर्स्ट बार अगर माइंड में नहीं आ पाता है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस तरह से लिख दिया है, ये 8 कैसे आया है ये सोचना है, तो ये देखिए 3, 2, 5, 6, 7, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15 ना हो रहा है। अच्छा तो इधर से हम लोग जोड़ के देखते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर ही जो डाटा हो, जो पैंचा दे रहा होगा, एक घट रहा था, दो घट रहा था, तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि 6 और 5, 11, 11, 9, 20, यानी यहाँ पर यदि 4 रहे
यदि यहाँ पर चार रहे तो 24 हो जाता, आ दो हाथ में आ जाता तो दो हाथ में यहाँ ले लेते, तो 7 2 9 9 1 10 10 4 13 13 3 16 7 2 9 1 10 10 7 17। हाँ पैटर्न मिल चुका है। ये किया क्या है बाबू कि ये इस तरह से जोड़ के नीचे लिखना चाहिए था, लिख दिया है ऊपर। यानी कि आप सोचिए इकाई अंक पहले मिलाइए कि इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक 9 6 15 5 20, तो यानी यहाँ 4 चाहिए। जब यहाँ 4 चाहिए तो दो हाथ में रहा तो 7 2 9 9 1 10 10 7 17 7, यहाँ 4 एक हाथ में है, एक हाथ वाला 2 2 3 2 5 5 2 7 1 8, यानी पैटर्न मिल गया। यानी ऐसे ऐसे जोड़ा गया है और जोड़ के ऊपर में लिख दिया गया है। अगर नीचे रहता तो नज़र आ जाता। थोड़ा और इसको लार्ज कीजिए। ओ नहीं आ पा रहा है, फट रहा। चलिए अच्छा हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। देखिए ऊपर में 2 4 1 5 घर बनाया है, नीचे में 4 गो है। ऊपर में 5 घर है, नीचे में 4 घर है। हम 4 घर पहले नीचे वाला बना लेते हैं फिर 5 गो बना लेंगे। 1 2 3 4 5, बाकी को हम आराम से मिटा दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना होवे। अब देखिए का किया है, 4 है यहाँ, 3 है, 2 है, 8 है, 32 है बाबू, फिर 5 है, 3 है, 1 है, 9 है, 24 है, 7 3 3 7 70, 2 9 4 12 भाट। अभी देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन, इससे पहले भी है, ये भी सब एक के साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी हायर सेकेंडरी होता है उसमें पूछा है ये क्वेश्चन, और ये सब अक्सर अगर एकाएक एग्जाम में आ जाता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है आपको मिसिंग नंबर पर तो छूटने का चांसेज है। यही सब एक दो नंबर है ना बाबू जिसके कारण आपको मेरिट नहीं लगता है। कभी कभी सुनते होंगे कि एक नंबर के चलते मेरिट नहीं लगा, तो यही सब क्वेश्चन है जो आपकी मेरिट नहीं लगने देता है। तो आप थोड़ा सा अगर मेहनत इस सब क्वेश्चन पर करते हैं तो ये सब आपको बहुत आगे ले जाएगा। थोड़ा देखिए एक चीज़ समझ में आ रहा है नज़र देखते के साथ कि सब के ये लास्ट में ज़्यादा है। देखिए ये सब डाटा की अपेक्षा ये वाला ज़्यादा है, तो पहला तो हमको लगा कि कहीं ऐसा तो ना है कि गुना या जोड़ हो। चाहे तो गुना हो सकता है और नहीं तो जोड़ हो सकता है। तो गुना करते जा रहे हैं, चरती है 12 12 दुनी 24, 24 और 8 को उसमें जोड़िए, यानी ये तीनों आपस में गुना होगा। चरती है 12 12 दुनी 24 और 8 32 मिल गया। तो उस सेम पैटर्न को धरेंगे, पंक्ति आई 15 15 गुने 1 15 15 9 24 मिल रहा है बाबू। सतिया 21 21 63 63 7 70, उसी पैटर्न पर 9 2 18 18 4 72 72 12, यानी 84। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 84। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 2 है 3 है 8 है, उसके बाद 4 5 10 है, 6 है 7 है 12 है, 32 है 60 है भाट। अब देखिए इसका आंसर हम लोग को निकालना है। ये जो शुरुआती दौर में हम लोग पैटर्न देख रहे थे उसी पर होगा, क्योंकि नीचे में ज़्यादा है। ये ध्यान दीजिएगा, जिधर आपका ज़्यादा हो रहा है उधर दिया जोड़ घटाव हुआ होगा। पहले जब इधर ज़्यादा था तो इधर हम लोग मिलाते थे जोड़ घटाव करके, नीचे में ज़्यादा है तो नीचे में हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। अब ये हम लोग को सोचना है कि 32 कैसे लाया जाए। ओ मिल तो ओ ये दोनों को जोड़ दो तो 8, ये दोनों को जोड़े तो 8 और 8 गुने 4 32,
ये दोनों को जोड़ दो तो 10, और 10 गुने 5 50 है, लेकिन यहाँ है 60, गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, और कोई पैटर्न देखा जाए, इस पैटर्न पर काम नहीं किया तो कोई और पैटर्न को देखते हैं। और दूसरा पैटर्न हो सकता है, देखिए बाबू इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट करना है, यहाँ 60 जो लिखा हुआ नहीं 50 होना चाहिए, ये ध्यान रहे, एडिट कर रहे हैं, आपका पीडीएफ में भी एडिट करना पड़ेगा। ये पैटर्न सही है, यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। 7 3 10, 10 5 50, 6 2 8, तो 8 4 32, तो उसी तरह से ये दोनों को जोड़ेंगे 12 और 8 20, अब 20 × 10 = 200, और 200 आपके ऑप्शन में है, यानी यहाँ पर मिसप्रिंट है बाबू, यहाँ 60 के जगह कितना होना चाहिए 50। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, ऊपर में 3 है नीचे दिया 4 है, ऊपर में 3 को बनाएंगे कॉलम 1 2 3, और नीचे में 4 1 2 3 4, अब इसमें अंक भरा हुआ है 1 216 343 8 125 512 27 64, यहाँ पर देखिएगा 35 है, 401 है, अब 1575 है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ऑप्शन भी देखना 615 575 729। हाँ गौर से देखो थोड़ा सो इसको, गौर से देखो इसको, देख के समझ में आ गया होगा ये तीनों के, देखो गौर से, 1 के Q है 2 के Q है 3 के Q है, इसको उसी तरह से देखेगा तो 4 के Q नज़र आया, 5 का Q नज़र आया, 6 के Q नज़र आया, और इसको देखे ये 7 के Q है, ये 8 के Q है, 8 के Q है, तो यहाँ 9 के Q होना चाहिए, और 9 का Q माने 81 × 9, यानी 9 8 72 729 होना चाहिए, और 729 ऑप्शन में है सी नंबर, 729 माने सी नंबर। अब देखिए कुछ लड़के इसको लगल होंगे कैलकुलेट करने में, सिंपली हम एक के चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि सब जब क्यू है तो इनमें क्यू एक के गो ऑप्शन में है, ये है 729, ऑप्शन में ऐसे ही देखेंगे कि क्यू मात्र ए गो है 729, अब बाकी पैटर्न समझ रहे होंगे कि नीचे वाला छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से क्यू आ रहा था। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इस तरह से एक वृत्त पारा हुआ है, उसको बीचे बीच पहले काटा है, इसको ऊपर वाला को 3 पार्ट में बांटा है, नीचे वाला को 2 पार्ट में, यहाँ 50 लिखा है, यहाँ भाट लिखा है, यहाँ 122 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, और यहाँ 10 लिखा है, और आपसे पूछ रहा है भाट के जगह पर क्या होगा। अच्छा यहाँ देखिए, यानी इस तरह से जब क्वेश्चन हो तो आप लोग को स्क्वायर क्यू की ओर नज़र जाना चाहिए, स्क्वायर क्यूब या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब थोड़ा इसको गौर से देखिए तो न लग रहा है कि 7 का स्क्वायर + 1 है, इसको गौर से देखिएगा बाबू तो 11 के स्क्वायर + 1 है, इसको गौर से देखिए तो 2 के स्क्वायर + 1 होगा, और इसको गौर से देखिएगा तो 3 के स्क्वायर + 1 नज़र आ रहा है, तो अब हमको लगा कि 2 3
सात ग्यारह, तो आखिर उठाया है कैसे, चार नहीं लिया, छः नहीं लिया। तो देखिए स्क्वायर भी उठाया है, साथ साथ उसी को प्राइम नंबर है, सब जिसको स्क्वायर किया है दो प्राइम नंबर है, तीन प्राइम नंबर है, यानी चार प्राइम नंबर नहीं है तो नहीं उठाया। तो अगला पाँच का नंबर था, यानी यहाँ होना चाहिए था पाँच के स्क्वायर प्लस वन, यानी यहाँ से शुरू हुआ था खेला, दो के स्क्वायर, तीन के स्क्वायर, पाँच के स्क्वायर, सात और नौ को काहे नहीं लिया। तो नौ विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ लॉजिक लगा स्क्वायर नंबर और प्राइम नंबर का, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा पच पच पच्चीस एक छब्बीस बाबू। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो ठो सर्कल बनाया है, इसके बीच में एगो सर्कल बनाया है और इस तरह से चार गो डाटा लिखा है, ग्यारह बारह ग्यारह ग्यारह है बाबू, बारह है, नौ है, छः है और यहाँ पर लिखा है बीच में बीच में खाली है, नहीं अठहत्तर है, बीच में अठहत्तर लिखा है। एक और फिगर बनाया है जिसमें देखा जाए क्या हुआ है, यहाँ पर बीच में भाट है, खाली स्थान है। अच्छा मेन कॉपी में देखते हैं, फिर चौदह है और दस है, फिर उसके बाद सात है और आठ है। अब भाट के जगह पर क्या होगा, आपको ऑप्शन है चौरासी चौहत्तर, आप लोग देखिए थोड़ा सोचिए कैसे हुआ होगा। अगर सबको जोड़ा जाए तो ग्यारह छः सत्रह, सत्रह अब बारह उनतीस, उनतीस और नौ अड़तीस, नहीं हुआ, अड़तीस और चालीस ज़्यादा है। इधर वो पैटर्न पर देख लेते हैं, चालीस ज़्यादा करके चौदह सत्या इक्कीस, इक्कीस दस इकतीस, इकतीस और आठ, इकतीस और आठ हो गया उनचालीस, तो चालीस ज़्यादा करेंगे ना, ऑप्शन नहीं है उनचालीस, नौ इकाई अंक वाला ऑप्शन है ही नहीं, ये पैटर्न नहीं चलेगा। अब देखते हैं गुना कर करके, अगर ये दोनों को गुना करें तो बारह को ग्यारह से गुना करेंगे तो एक सौ बत्तीस मिलेगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो नौ छक चौवन मिलेगा। हाँ लग रहा है कि दोनों को गुना करके घटाया है, देखिए आठ चार बारह, अभी दो बचा, सात पाँच बारह, बिल्कुल सही यही किया गया है, यानी ये दोनों को गुना करके और इस घटाना पड़ेगा, तो 140 में से आठ सते छप्पन जाएगा बाबू, तो छः चार दस, अभी तेरह बच गया, तो आठ पाँच तेरह, यानी चौरासी नंबर ये जो है ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं बाबू 19 नंबर किस पैटर्न पर काम कर रहा है, नौ है, ग्यारह है, तेरह है, तेरह है, पंद्रह है, सत्रह है, दस है, बारह है, चौदह है, चौदह है, सोलह है, अट्ठारह है, ग्यारह है, तेरह है। अरे ये तो इजी क्वेश्चन मिल गया बाबू, इजी क्वेश्चन है, देखो दो बढ़ते गया है खाली और कुछ ना हुआ है, यह ना दो बढ़ते जा रहा, सब में देखो गौर से, तेरह दो पंद्रह दो सत्रह, दस दो बारह दो चौदह, बारह चार दो चौदह दो सोलह दो अठारह, ग्यारह दो तेरह दो पंद्रह। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बीस है, इस तरह से फिगर बनाया है और यहाँ चौदह लिखा है, यहाँ बारह लिखा है, यहाँ तीन लिखा, यहाँ सात, यहाँ छत्तीस। बीच में चौवन है, यहाँ नौ है, एक है, सोलह है, भाट है। देखिए जिस पैटर्न पर ये वाला काम किया होगा उसी पैटर्न पर इसको बनाएंगे,
तो पहला फिगर को गौर से देखिए और ये दूसरा को भी देखिए, ये मिडिल वाला टर्म जो है हम दोनों में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक किनारा वाला को जोड़ घटाओ गुना स्क्वायर कुछ भी किया गया है, मिडिल वाला प्राप्त हुआ है, लॉजिक सीधा नज़र आ रहा है। तो स्क्वायर में तो काफ़ी दूर जाएगा, गुना में भी काफ़ी दूर चल जाएगा। चलिए पहले जोड़ ही के देख लेते हैं कि अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो 17, 14, 7, 21 आ 21 में इसको जोड़ा जाए 12 को तो 21, 12, 33 आ 33 में 3 को जोड़ा जाए, एकदम बिल्कुल ऐड है, देखिए तो 36 मिल गया। तो उसी आधार पर ये भी होगा 19, 16, 9 यानी 25, 25, 1, 26। अब 26 में कितना जोड़ें, 26 में कितना जोड़ें कि 54 हो जाए, 11 है यहाँ बाबू, देखिए क्वेश्चन में 11 है, हम एक लिख दिए थे, यहाँ 11 है। तो 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 और 11 आपका 36। अब 36 में कितना जोड़ा जाए यानी कि 54 हो जाए, तो 54 में से 36 को घटा दीजिए, परेशानी हो रहा है तो कितना गया बाबू 18, यानी 18 ऑप्शन नंबर कितना है डी आपका है। चलिए बाबू देखिए, आज हम लोग मिसिंग नंबर के 20 क्वेश्चन किए हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग सेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कलेक्ट करके और अगले दिन वीडियो फिर बना के डालेंगे। इसको आप लोग मिसिंग नंबर में पार्ट वन समझिए, मिसिंग नंबर का पार्ट वन है, और भी पार्ट बना के डाल देंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, पीडीएफ निकाल कर ये क्वेश्चन को 3-4 बार जब देखिएगा ना तब आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैटर्न पर काम करता है। इसमें कुछ विशेष प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कहीं से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ उठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी गलत घूम रहा है व्हाट्सएप पर फेसबुक पर, उसको ज़्यादा बनाने के फेरा मत रहिए, ना चिंता कीजिए ना कमेंट में भेजिए। यानी कि कुछ क्वेश्चन 1, 2, 4 क्वेश्चन ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं उसके फेरा मत रहिए, वो आपको डोमरलाइज कर देगा और नौकरी लेवे से दूर रखेगा, वो आपको हमेशा आपको तोड़ के रखेगा। इसलिए मिसिंग नंबर का ही पार्ट वन है। धन्यवाद, आप लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा दीजिए।